चलिए बढ़ते आगे। हरियाणा के फरीदाबाद में 32वां सूरजकुंड मेला शुरू हो गया। 18 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक और लोक कलाओं की झलक देखने को मिलेगी, तो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लोग तरह तरह के जायकों का भी लुत्फ उठाएंगे। खास बात यह कि इस बार मेले का थीम स्टेट उत्तर प्रदेश है, जिसका स्लोगन है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और सीधे आपको लिए चलते हैं सूरजकुंड मेले में ही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बात पहले से उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्ध रहा है। हर जनपद के पास उत्तर प्रदेश में अपनी कोई विशिष्ट पहचान के लिए उसने कोई नया उत्पाद वहां दिया है। जैसे मैं यहाँ देख रहा था, अपना घर में आपने देखा होगा कि काशी की साड़ी, जो बनारस की साड़ी है, वे साड़ियों को किस रूप में वे कलाकार बनाते हैं उसका एक वहां पर उन्होंने प्रदर्शन भी कर रहे थे। अब मुरादाबाद में आएंगे, पीतल का जो उद्योग है मुरादाबाद का, अलीगढ़ के ताले हैं, पीलीभीत की बांसुरी है, भदोही की कालीन है, स्पोर्ट्स आइटम के रूप में मेरठ जाना जाता है, फिरोजाबाद का कांच का उद्योग है। यानी हर जनपद के पास अपनी कम से कम एक विशिष्ट उत्पाद जरूर है, और उसको हम जब आगे बढ़ा रहे हैं तो पहला स्टेट है जब उत्तर प्रदेश के हमारे पर्यटन, संस्कृति और अन्य विभागों को एक साथ अपने उत्पादों को यहाँ पर ला करके दिखाने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ की सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में हमने अपना एक संविधान स्वीकार किया, लेकिन क्या 1950 के पहले या 1947 से पहले क्या भारत नहीं था? क्या भारत तब भी था? ब्रिटिश भारत रहा होगा, छोटे छोटे राजे रजवाड़े रहे होंगे, लेकिन भारत आदिकाल से ही अपनी सांस्कृतिक एकता के लिए जाना जाता है। राजनीतिक इकाई ने कभी भी भारत की सांस्कृतिक इकाई में, सांस्कृतिक एकता में कभी बाधा नहीं डाली। ये कभी हमारे लिए वो बैरियर नहीं था कि एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, एक राज्य का पर्व दूसरे राज्य में नहीं मनाया जाएगा। दीपावली जैसे उत्तर प्रदेश में मनाते हैं वैसे ही हरियाणा में भी मनाते हैं, होली जैसे उत्तर प्रदेश में मनाते हैं वैसे ही हरियाणा में भी मनाते हैं, वैसे ही पंजाब में भी मनाते हैं। यानी हमारे पर्व त्योहार सब एक हैं, परंपराएं एक हैं, विरासत एक है, लेकिन अलग 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 राजनीतिक इकाइयों के आधार पर हम सब एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कोई संबंध ही न हो। मैं वही देख रहा था, उत्तर प्रदेश ने कई राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन के जो समझौते होने थे वर्षों से लंबित थे, हरियाणा के साथ 1980 से लंबित था, नहीं हो पा रहे थे। लोगों को लगता था कि अगर उत्तर प्रदेश की बसें हरियाणा में चली जाएंगी हरियाणा परिवहन निगम को घाटा होगा, उत्तर प्रदेश को लगता था कि वहां की बसें अगर हमारे यहां आएंगे तो हमें घाटा हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं देखते थे कि हमारे नागरिकों को इसके कारण कितनी परेशानी हो रही है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कैसे विकसित हो, इस दृष्टि से कभी भी सोचने का प्रयास अगर हमने किया होता, और फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न भी हो तो भी अपने नागरिकों के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए
तो हम लोगों को साथ साथ मिलकर के कार्य करना होगा। और इस दिशा एक अद्भुत अवसर आज है, उत्तर प्रदेश थीम स्टेट के रूप में आपके बीच है। कौन हरियाणा वासी ऐसा है जो अयोध्या न जाना चाहता हो? मुझे लगता है कि हर हरियाणा वासी चाहता है अयोध्या में जाकर के भगवान राम लला के दर्शन करूं। कौन ऐसा भारतवासी है जो काशी में जाकर के भगवान विश्वनाथ का दर्शन न करना चाहता हो, काशी के घाटों का दर्शन न करना चाहता हो? और कौन ऐसा भारतवासी है जो मथुरा में आकर के वहां पर बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए अपने आप को लालायित न पाता हो? और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को आगरा आने से रोक सकता हो? हर व्यक्ति हर जगह आता है। दुनिया के अंदर तमाम देशों की उतनी आबादी नहीं जितने हमारे प्रयागराज के माघ मेले में लोग आते हैं। यानी हर वर्ष माघ मेले में वहां पर 50 लाख के आसपास श्रद्धालु केवल स्नान करने के लिए संगम तट पर आता है प्रयागराज में। और कुंभ के अवसर पर 2019 में कुंभ है, इस अवसर पर हमारा अनुमान है कि इस बार 15 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आएंगे दर्शन करने के लिए। सब कुछ एक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी यहां पर कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, लेकिन गीता का अमर संदेश उन्होंने दिया था कुरुक्षेत्र में। जमीन का विवाद है उत्तर प्रदेश में, झगड़ा होता है हरियाणा में। और हरियाणा में भगवान कृष्ण ने ऐसा संदेश दिया कि युद्ध भूमि को ही उन्होंने धर्म भूमि बना दिया। कहीं हुआ है दुनिया में ऐसा? मैं यही मानता हूं, मैं जब हरियाणा के नौजवानों की, यहां के किसानों की मेहनत को देखता हूं और अपने खून और पसीने से यहां की धरती को हरियाली में बदल करके उन्होंने जब हरियाणा नाम को चरितार्थ किया है, तो मुझे लगता है इसके पीछे भगवान कृष्ण की ही कर्म की प्रेरणा है। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि संदेश तो इसी धरती पर दिया गया था। विचार कभी मरते नहीं, वो अपना सर जमाता है। और वह गीता का संदेश कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने दिया था, वह चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है हरियाणा में। योगियों की, संतों की एक लंबी परंपरा, यानी हम देखते हैं कि वास्तव में दुनिया के अंदर आदर्श व्यवस्था या तो हम राज्य के रूप में मानते हैं या फिर हरियाणा की धरती से, अग्रोहा की धरती से महाराज अग्रसेन ने जो संदेश दिया था, हर व्यक्ति एक, कोई भी एक नया नागरिक आता है उसको सभी लोग मिलकर के एक ईंट और एक असरफी देंगे, एक स्वर्ण मुद्रिक मुद्रा उसको देंगे, जिससे वह स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके। ये संदेश देने वाली हरियाणा की धरती हर प्रकार से संपन्न धरती से ले बनी, देश और दुनिया के सामने जिस रूप में हरियाणा की इस विरासत को प्रस्तुत करने का कार्यक्रम हो रहा है। और एकता तो हम लोगों में वैसे भी है, हमारे यहां प्रयागराज को त्रिवेणी कहते हैं, इलाहाबाद में तीन नदियों का संगम माना जाता है, गंगा जी का, यमुना जी का, और तीसरी नदी है सरस्वती जो आपकी हरियाणा से बह रही है।
सरस्वती नदी वहां दिखाई नहीं देती, लेकिन सरस्वती कूप है वहां। लेकिन नदी आप लोगों ने यहां पर उत्खनन से पुनः एक बार उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। अद्भुत कार्य है, सराहनीय कार्य है। गीता के अमर संदेश को गीता महोत्सव के रूप में कुरुक्षेत्र में जिस भव्यता के साथ हुआ, पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। किस रूप में लाखों बच्चे एक साथ गीता का पाठ कर रहे हैं। गीता क्या कोई सांप्रदायिक ग्रंथ है क्या? गीता तो एक शाश्वत ग्रंथ है, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में, हर प्रकृति, हर उम्र, हर लिंग के लिए एक नया संदेश देने वाला है, और उसको एक बार पुनः साकार करने का कार्य किया है हरियाणा की वर्तमान सरकार ने। सरस्वती महोत्सव का कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ यहां आयोजित हुआ, और उसका एक स्वरूप एक बार पुनः अपनी रचनात्मकता से, अपनी कर्मठता के साथ यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सूरजकुंड के अंतर्राष्ट्रीय मेले को भी वही स्वरूप प्रदान किया है। सचमुच ये एक सराहनीय पहल है, अभिनंदनीय है, और उसको और आगे करने के लिए मैं मानता था कि हमें अलग अलग राज्यों के साथ अपने परिवहन समझौते करने चाहिए। परिवहन समझौते जिससे नागरिकों का आवागमन और आसान हो सके, ये किया भी जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हम सबको अलग अलग राज्यों के साथ हमारे सांस्कृतिक समझौते होने चाहिए, एक दूसरे के राज्यों की बोली भाषा सीखनी चाहिए, उनकी कला को अपने यहाँ आमंत्रित करनी चाहिए, वहां की प्रतिभा को अपने यहाँ बुला करके उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे कहीं भी जो फूट डालने वाले तत्व हैं, जो हमें बांटना चाहते हैं, जो भारत को खुशहाल नहीं रखना चाहते हैं, जो भारत को एक समृद्ध भारत, एक श्रेष्ठ भारत के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, वे लोग बेनकाब हो सकें। हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान के साथ, उत्तराखंड के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ अपने परिवहन समझौते किए, हरियाणा की सरकार के साथ हम लोग चाहते थे। 1980 के बाद कोई भी ऐसा समझौता नहीं हो पाया, 2008 में हुआ लेकिन प्रभावी नहीं हो पाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए सबसे उपयुक्त जो अवसर ढूंढा, वह आज अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को ढूंढा। जब आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने परिवहन समझौतों में आपस में हस्ताक्षर किए, वहां पर बात हो रही थी कि हरियाणा की बसेस तो उत्तर प्रदेश के अंदर 66,000 किलोमीटर के उस दायरे में जा सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बसेस केवल 50,000 किलोमीटर में आएंगे। मैंने कहा मामला इसका नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि भारत के राज्य के रूप में हम एक दूसरे की भावनाओं का कितना सम्मान दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। और मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा परिवहन निगम की बसेस हर जगह जाए, गांव गांव में भी जाती है तो हमें प्रसन्नता होगी, हम लोग उसके लिए एकदम अनुमति देंगे उनको। आप आइए, मथुरा वृंदावन में आइए, आप आगरा में आइए, फतेहपुर सीकरी में आइए, आप प्रयागराज में आइए, चित्रकूट आइए, अयोध्या आइए, काशी आइए, गोरखपुर आइए, या फिर यहां से होते हुए अगर आपको आगे बढ़ना है पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए नेपाल भी जाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की धरती से होकर आप जाइए, गंगा सागर जाना चाहेंगे तो भी, और मुझे लगता है कि हम लोगों को पश्चिमी बंगाल तो जाना ही है कलकत्ता में, तो कलकत्ता जाने के लिए भी वहां पर